कि पूरे देश को सांप्रदायिक नफरत के जैसे आग में ले जाया जा रहा था पूरे देश को जब हिंदू मुसलमान किया जा रहा था पूरे देश को जब निजी हाथों तो में बेच करके सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही थी पूरे देश में ये नैरेटिव बन गया था कि बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए उस समय मैं उस राजनीतिक पक्ष के साथ खड़ा था जो संविधान बचाने सामाजिक न्याय को बचाने और पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की रणनीति बना रहे थे और हम कारगर हुए 1956 में डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर मिलकर काम करना चाह रहे थे पत्र व्यवहार होता है जो डॉक्यूमेंटेड है तो वो खाब का पूरा करने कोशिश मिले मुलायम कांशीराम में हुई थी उस खाब को फिर से पूरा करने की कोशिश की अखिलेश यादव ने आदरणीय मायावती जी के साथ समझौता करके 2019 का ये पॉलिटिकल अलायंस है इस बीच में जब टकराव के लम्हे भी रहे तो कई बार कई चीजें गलत हो जाती हैं कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी तात्कालिक परिस्थितियां कुछ और रही होती हैं उन गलतियों से कोई राजनीतिक दल उन उन परिस्थितियों से कोई राजनीतिक दल सीखता है महापुरुषों मा, के मां महिलाओं के नाम पर जो जिले थे उनके नाम बदल दिए जो एस सी को ठेकेदारी में कोटा मिलता था उनको आरक्षण मिलता था वो बंद कर दिया जो प्रमोशन में आरक्षण मिला हुआ था वो बिल हट फाड़ दिया जो प्रमोशन जिनका हो चुका था शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लोगों का उनका डिमोशन कर दिया मैं इस पर केवल यह कहना चाहूंगा कि आज उसी समाजवादी पार्टी के कोई भी पोस्टर उठा के देख लीजिएगा मैं चाहूंगा कि इसमें आप वो क्लिप चलाइएगा कि उन्होंने अपने पोस्टर में अब उन्हीं महापुरुषों को जगह दी है तो उसमें ज्योतिबा फूले उसमें शाहू जी महाराज उसमें झलकारी बाई उसमें उदा देवी पासी उसमें तमाम बहुजन महापुरुष आज उसी समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर बिल्कुल मौजूद अखिलेश यादव ने यहाँ एक काम किया कि राजनीतिक गठबंधन भले टूट जाए लेकिन वैचारिक गठबंधन टूटने नहीं दिया और वो था डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर लोहिया का गठबंधन आज सपा जिस पीडीए की बात करती है वो वही विचारधारा है और आज वो कहते हैं कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे हम आएंगे तो एससी एसटी ओबीसी को उनका हक दिलाएंगे हम आएंगे तो सामाजिक न्याय करेंगे कि एक नेता दिल्ली में बैठ करके कहने लगा कि हमारे पैर में दो कांटे चुभ रहे थे एक मुलायम सिंह यादव और एक कंशी मैंने पहले एक कांटे से दूसरे को निकाला और उचित समय देख करके दूसरे को भी फेंक दिया अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी एकदम सीधे लड़ाई एनडीए वर्सेस पीडीए में हुई और जनता का विश्वास तो नेता एकदम स्पष्ट है वो हम लोग की व्यक्तिगत बातचीत में अक्सर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हजारों साल के शोषण की लड़ाई है लक्ष्मण जय भीम स्वागत है आपका इस खास मुलाकात सीरीज में आज हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो एक जाने माने विचारक हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर उन्होंने काम किया और एनडीए को पीडीए हराएगा जो ये नारा अखिलेश यादव ने दिया था इस नारे के पीछे एक रणनीतिक भूमिका में उन्होंने काम किया इस बार के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो कई मायने में अहम हो जाते हैं क्योंकि इस बार यूपी में कमाल हुआ समाजवादी पार्टी ने सैंतीस लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की और उसने जो जीत हासिल की है उसमें दलित बहुजन समाज ने मिलकर वोट किया और उसके परिणाम देखने पर बात करने के लिए कि कैसे, क्या, की जो आने वाली रणनीतियां है वो इस तालमेल को बनाए रखेंगी क्या अखिलेश यादव सामाजिक न्याय के एजेंडे पर कायम रहेंगे इन तमाम जरूरी मसलों पर बातचीत करने के लिए लक्ष्मण यादव हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी बहुत शुक्रिया आपका सुमित जी तो दो तीन महीने तो बहुत बिजी रहे हम देख रहे थे आपकी वीडियोस की अखिलेश यादव के साथ आप ट्रैवल कर रहे थे और कई इलाकों में जाके चुनाव प्रचार करते हुए भी हमने देखा समाजवादी पार्टी के मंच पर आप भाषण देते तो हुए भी नजर आए तो अभी तो चुनाव परिणाम बहुत अच्छे आए उसके बाद एक ऊर्जा भी महसूस हो रही है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप पहली बार सक्रिय राजनीति में रहे तो कैसे अनुभव रहे आपके जी बहुत शुक्रिया सुमित जी और आपके तमाम दर्शकों को अब मेरा जय भीम जय मंडल ये निश्चित रूप से मेरी जिंदगी का पहला अनुभव रहा वैसे तो हम लोग जिस सामाजिक न्याय की विचारधारा की बात करते हैं उसके मूल में ही राजनीति निहित है लेकिन वो राजनीति सामाजिक आंदोलन सांस्कृतिक आंदोलन और एक विचारधारा को लगातार आगे ले जाने की रणनीति पर काम रहती रही और उसका एक हिस्सा छोटा सा है चुनावी राजनीति तो उस लिहाज से निश्चित रूप से ये पहला अनुभव था और आ, आ, बहुत अच्छा ये हुआ कि जिस विचारधारा पर पिछले कई वर्षों से हम और हमारे जैसे लोग हम आ, मिल के सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा पर काम करते रहे संविधान को लेकर के अपने समाज को जागरूक और सचेत करते रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर लोहिया फूले आ, तमाम विचारक जो हमारे रहे कबीर रैदास पलटू दादूबी का सारे लोगों का जो मूल विचार था उस विचार पर अब तक जो काम करते रहे उसी काम को करते हुए एक राजनीतिक दल के साथ काम करने का मौका मिल गया ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही क्योंकि कुछ लोगों ने नौकरी से निकाला जानबूझ करके कि संविधान की बात देश भर में घूम घूम करता है बाबा साहब की बात करता है लोहिया की बात करता है फूले पेरियार की बात करता है तो ये बात ही तो उन्हें खटकी थी जिससे उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया आज मैं झुक करके उनके सामने नौकरी मांगने भी नहीं गया क्योंकि गलती मेरी नहीं थी इस गुनाह की सज़ा मिली थी तो फिर मेरे सामने विकल्प क्या था कि जिस विचारधारा की लड़ाई को हम लड़ रहे थे उस विचारधारा को कारगर तरीके से और आगे बढ़ाएं ताकि समाज पर उसका ज़्यादा असर पड़े और निश्चित रूप से मानोर कांशी राम जैस कहते थे कि राजनीति गुरु किल्ली होती है तो राजनीति में एक मौका मिल गया और मौका ये मिल गया कि मेरा अपना जो गृह प्रदेश है उत्तर प्रदेश वहां मैंने बहुत करीब से देखा कि एक नेता जो पिछले कई वर्षों से हम एक संपर्क में भी थे जो कि वैचारिक संपर्क था और उस वैचारिक संपर्क संपर्क में हमने ये देखा कि एक नेता संविधान बचाने के लिए एक तैयारी कर रहा है एक नेता जो सामाजिक न्याय के इसी विचार पर खड़े होकर के पी के स्लोगन को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रहा है एक नेता जो बिना डरे बीजेपी और आरएसएस के सामने चुनौती बनने की कोशिश कर रहा है वो मौका हमारे हाथ में मिला और वो मौका था समाजवादी पार्टी के साथ काम करने का अखिलेश यादव जी जैसा एक नेतृत्व था जिनसे एक व्यक्तिगत रिश्ता भी रहा जब ये दोनों चीज़ें मिल गई यानी विचारधारा मिल गई काम करने का तरीका मिल गया और एक ही लक्ष्य था तो तालमेल बन गया ये उनका बड़प्पन कि उन्होंने हमें अपने साथ रखा और वो हमारी जो भूमिका हो सकती थी उससे बढ़ कर के हमें भूमिका दी तो हम मंचों पर भी नजर आए हमने जहाँ भी लिखने पढ़ने में मदद हो सकती थी वो बहुत तरह की चीज़ें अच्छा ये है कि आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस फक्र के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश को सांप्रदायिक नफ़रत के जैसे आग में ले जाया जा रहा था पूरे देश को जब हिंदू मुसलमान किया जा रहा था पूरे देश को जब निजी हाथों में बेच करके सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही थी पूरे देश में ये नैरेटिव बन गया था कि बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए उस समय मैं उस उस तो राजनीतिक पक्ष के साथ खड़ा था जो संविधान बचाने सामाजिक न्याय को बचाने और पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की रणनीति बना रहे थे और हम कारगर हुए इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत दिलचस्प बहुत सीखने वाला और बहुत अपनी विचारधारा को मजबूत करके समाज तक और बेहतर परिणाम देने के लिहाज से ये तीन महीने मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक रहे जी अखिलेश यादव का अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कई उनके ऐसे फैसले हैं जो दलित विरोधी रहे हैं और दलितों के दिल में एक आशंका थी अखिलेश यादव को लेकर कि वो सरकार में आएंगे अगर वो किसी पावर में रहेंगे तो हो सकता है कि वो उनके विरोध में कुछ काम करें

एक तरफ आप याद करें कि जब मंडल के खिलाफ कमंडल आया जो लोग आज बात करते हिंदू होने की और जो लोग एक अलग तरह से सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं वो लोग जब भगवान के नाम का सहारा लेकर के देश की राजनीति को बदलने जा रहे थे तो मंडल आंदोलन के बाद दो ताकतें उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुई थी मनवर कांशी और मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव और उस समय एक नारा चला मिले मुलायम कान्शी अगली लाइन हम लोग नहीं बोलते तो लोग दुनिया जानती है वो किसको चुनौती पेश करके उस सांप्रदायिक ताकत के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अगला पड़ाव ये आया जो कि बहुत दुखद था कि एक नेता दिल्ली में बैठ करके कहने लगा कि हमारे पैर में दो कांटे चुप रहे थे एक मुलायम सिंह यादव और एक कांशी राम मैंने पहले एक कांटे से दूसरे को निकाला और उचित समय देख करके दूसरे को भी फेंक दिया अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी वो बीजेपी की जो रणनीति थी जो आर के लोगों की रणनीति थी कि अगर दलित पिछड़े मिल गए तो फिर तो हम राज कैसे करेंगे पता नहीं मुझे जब ये बात आ रही है तो अठारह याद आ रहा है कि अगर सब मिलके लड़े तो हम भारत पर शासन कैसे करेंगे उन्होंने फिर नफरत की आग बोई वो अंग्रेज थे ये पड़ाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब आया और उसके बाद के लगभग दो दशक की राजनीति सपा वर्सेस बसपा की हो गई आप देखेंगे कि दोनों पार्टियां सरकार में आती हैं दोनों अपने अपने ढंग से काम करती हैं और कुछ ऐतिहासिक चूक भी हुई जिसे अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में कबूल किया 2022 के चुनाव या उसके पहले एक पड़ाव आया जो हम हम जैसे लोग इसको कैसे डिकोड करते हैं 1956 में डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर मिलकर काम करना चाह रहे थे पत्र व्यवहार होता है जो डॉक्यूमेंटेड है वो ये कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर से कि हम दोनों की लड़ाई एक है हम दोनों की सपने एक हैं लगभग हम लोग मिलकर काम करें तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और सोशलिस्ट पार्टी इनके बीच एक वैचारिक रिश्ता बनना शुरू हो गया था कुदरत ने हमें बाबा साहब को जल्दी हमसे छीन लिया और छप्पन में 6 दिसंबर को बाबा साहब इस दुनिया से चले गए और वो खाब अधूरा रह गया तो वो खाब का पूरा करने की कोशिश मिले मुलायम कांशीराम राम में हुई थी उस खाब को फिर से पूरा करने की कोशिश की अखिलेश यादव ने आदरणी मायावती जी के साथ समझौता करके दो का ये पोलिटिकल अलायंस है इस बीच में जब टकराव के लम्हे में रहे तो कई बार कई चीजें गलत हो जाती हैं कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी तात्कालिक परिस्थितियां कुछ और रही होती हैं उन गलतियों से कोई राजनीतिक दल उन उन परिस्थितियों से कोई राजनीतिक दल सीखता है उन्नीस के चुनाव के ठीक बाद जो बसपा 2014 में शून्य हो गई थी वो 2019 में 10 सीटें ले आती है लेकिन फिर भी गठबंधन आदि मायावती जी की तरफ से कहा गया कि हम नहीं रखेंगे गठबंधन टूट गया अखिलेश यादव ने यहां एक काम किया कि राजनीतिक गठबंधन भले टूट जाए लेकिन वैचारिक गठबंधन टूटने नहीं दिया और वो था डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर लोहिया का गठबंधन आज सपा जिस पीडीए की बात करती है वो वही विचारधारा है और आज वो कहते हैं कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे हम आएंगे तो एससी एसटी ओबीसी को उनका हक दिलाएंगे हम आएंगे तो सामाजिक न्याय करेंगे इसलिए मुझे लगता है कि आज अगर अखिलेश यादव को मौका मिलेगा और जो कि मिलेगा आज नहीं कल मिलेगा जिस पीडीए की बात वो करते हैं आप टिकट वितरण देखिए ना वो अखिलेश यादव हैं और वो समाजवादी पार्टी है जिसको आरोप लगाया गया कि वो एक जाति और एक धर्म की पार्टी है उसने पीडीए की बात केवल जबान से नहीं की अंबेडकर और लोहिया के बाद उन्होंने टिकट बांटा सत्रह दलित समुदाय को टिकट दिया है बासठ में से कुल बासठ टिकट पे समाजवादी पार्टी लड़ रही थी बासठ सीटों पर सिक्सटी में से सेवनटीन टिकट एससी कम्युनिटी को और 85% परसेंट टिकट एससी एसटी और ओबीसी को मिला ये पीडीए था और वही पीडीए कमाल किया आप गौर करिए उसमें दो प्रयोग किया एक मेरठ की सीट पर और एक अयोध्या की सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशी और कौन उतार रहा है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और संविधान बचाने की लड़ाई में इतनी ईमानदारी थी कि उस समाज को भी ये महसूस हुआ कि अगर संविधान ही नहीं रहेगा नहीं। तो जो हक हमें संविधान से मिला वो क्या होगा और पूरा समाज वो पीडीए का समाज अखिलेश यादव को वोट देकर के मुहर लगाता है कि हाँ भाई आगे उम्मीद आपसे है तो अयोध्या जीतना उस उस एकजुटता को जिस एकजुटता के बाद हम कई वर्षों से कर रहे थे कई अंतर विरोध होंगे समाज में दलित समाज के भीतर दलित समाज से ओबीसी के भीतर ओबीसी से नेता या विचारक का काम यह होता है कि अंतर्विरोधों को कम करके उसे जोड़ने की कोशिश करे तो जो काम हम पहले वहां करते थे वो राजनीति में पीडीए ने किया और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला इसलिए आपके सवाल का जो दूसरा पक्ष है कि कितनी दूर तक चलेगा मुझे उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराया ये वैचारिक लड़ाई है एक तरफ गोटसे गोलवलकर हेडगंवार सावरकर हैं तो दूसरी तरफ आपको खड़ा करना पड़ेगा अंबेडकर को लोहिया को मनवरकांशी राम को मुलायम सिंह को लालू को ये जो गठजोड़ है इस गठजोड़ से ही आप आरएसएस बीजेपी से लड़ सकते हैं तो मैं देखता हूं भविष्य पीडीए का ही है भविष्य इस एकजुटता का है वही संविधान बचाएगा दलित समाज के काफ़ी लोगों से जब हम रिपोर्टिंग के दौरान भी बात कर रहे थे तो ये समझ में आ रहा था कि वो संविधान को लेके काफ़ी भावुक हैं क्योंकि बाबा साहेब के दस्तावेज़ के कारण उन्हें तमाम हक मिलते हैं तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं संविधान को लेकर और आप लोगों ने जो नारा दिया कि संविधान खतरे में है ये लोग संविधान को बदल देंगे चार पार मिलेंगे तो मन मुताबिक संविधान में बदलाव होगा इसने काम किया इस बारे में दलित समाज ने एक पॉजिटिव तरीके से सोचते हुए कि हमारा वोट खराब ना हो या हम जो हैं ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो जीत रहा हो तो वो समाजवादी और गठबंधन के प्रत्याशी को उन्होंने वोट किया ये जो वोट दिया है इस बारे में अखिलेश यादव का क्या पक्ष था क्या उनसे आपकी बात हुई है वो दलित समाज के इस भरोसे को लेकर व्यक्तिगत तौर पर क्या सोच रहे हैं नहीं मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जी जैसे नेता जो मैंने एक चीज़ जो करीब रह के समझी और जो भी इस तरह के लोग होते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो जो सबके सामने हैं वही वो दिल में है अगर उन्हें इस बात का दर्द है कि गैर बराबरी जाति के नाम पर हो रही है इस लड़ाई को पी के रूप में आगे बढ़ाना है तो वो भीतर भी है और बाहर भी है तो वो इस बात को समझते हुए मतलब कभी कभी हम लोगों की बातचीत जब होती थी या मीटिंग हो रही है समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने बूथ पर काम किया पिछले छह महीने में बाहर कोई दिखता नहीं, नहीं। बूथ पर वो ऐसी पार्टी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक इतनी डाइवर्सिटी को रखा गया कि अलग अलग जाति समुदाय के अलग अलग तबके के लोग प्रतिनिधित्व करते दिखे और ये टैगिंग केवल एक साजिश के तहत लगाई गई कि वो तो एक जाति एक धर्म आप जब बूथ प्रदेश अध्यक्ष से बूथ तक देखेंगे तो वो डाइवर्सिटी नजर आएगी वो धीरे धीरे काम करके मजबूत हो रही थी बूथ मजबूत हो रहा था वो फीडबैक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मिल रहा था अखिलेश यादव जी तक मिल रहा था फिर उनको ये बात सारे लोग मिल करके समझाते हैं रणनीत तो नेता सबसे बात करके बनाते हैं तो जब वो ये बात कि नहीं असली सवाल अगर कोई है तो वो संविधान का सवाल है अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो किस बात का समाजवाद किस बात का अम्बेडकरवाद कैसे हम आरक्षण बचाएंगे कैसे हम सबको हक दिलाएंगे यह बात समाजवादी पार्टी के एक एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के अखिलेश यादव तक एकदम स्पष्ट हो गई थी तो ये आप गौर करेंगे पूरा चुनाव संविधान बचाने का चुनाव हुआ और ये हमने नैरेटिव नहीं बनाया ये तो बीजेपी के लोगों ने कहा बीजेपी दस साल सरकार में रही तो बीजेपी ने अपने ऐसे काम किए जिससे संविधान कमजोर ही हुआ दो अप्रैल का भारत बंद करना पड़ा बीजेपी की सरकार थी थर्टीन पॉइंट रोस्टर आया बीजेपी की सरकार थी प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा हो गया कि एक से भी कम सरकारी नौकरियां बची हैं और जो सरकारी नौकरियां बचेंगी नहीं तो आरक्षण कहां से बचेगा ये बीजेपी की सरकार में हुआ बीजेपी

विपक्ष के नेताओं से पूछ करके ये लेख नहीं लिखेगा कि भारत के संविधान को बदलना जरूरी है पुराना पड़ गया है ये बीजेपी ने करवाया आरएसएस ने करवाया ज्योति मिर्धा अनंत हेगड़े अयोध्या का सांसद लल्लू सिंह मेरठ में चुनाव लड़ रहा अरुण गोविल ये प्रत्याशी कौन लोग हैं ये बीजेपी के नेता हैं इन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा कि चार सौ सीटें इसलिए चाहिए ताकि हमें देश का संविधान बदलना है तो ये नैरेटिव बीजेपी ने दिया और पहले चरण तक बीजेपी कहती रही अब की बार चार पार तो इन लोगों ने कहा क्योंकि संविधान बदलना है तो विपक्ष की तो जिम्मेदारी होती है कि जो सवाल जनता के लिहाज से सबसे बड़ा सवाल हो उस पर लेकर के अपना प्रतिपक्ष पूरा आंदोलन खड़ा करे तो प्रतिपक्ष ने वही किया अखिलेश यादव ने यही किया कि भाई हम संविधान बचाएंगे एक ही लड़ाई में सब लड़ाई शामिल है तो यह नैरेटिव विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी थी और विपक्ष के नेता ने उस जिम्मेदारी को निभाया अब रही बात यह कि कितने परसेंट इसका फायदा मिला रिजल्ट वो बताता है और कोई भी नेता बहुत बारीकी से राजनीति करता है अगर वो बासठ टिकट में से सत्रह टिकट दलित समुदाय को दे रहा है लगभग उनतीस तीस टिकट सीधे अति पिछड़े समुदाय को उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी आप पाएंगे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पाएंगे इन सारे लिहाज से समाजवादी पार्टी एक अल्ट्रा डायमें मतलब डायमेंशन उसके खुलते हैं कि इतने इतने लोगों को टिकट दिया ये पीडीए तो जब वो टिकट दिया तो उस टिकट का फायदा मिला और वो फायदा हर तरफ से हर तबके से मिला इसलिए सभी नेता को ये पता है कि एक तरफ फिर से बाकी पार्टियां किनारे पड़ गई एकदम सीधे लड़ाई एनडीए वर्सेस पीडीए में हुई और जनता का विश्वास चाहे वो पीडीए की जनता हो या जो भी बीजेपी को पसंद नहीं करती उसका विश्वास पीडीए जीतने में कामयाब हुआ तो नेता एकदम स्पष्ट हैं वो हम लोग की व्यक्तिगत बातचीत में अक्सर अखिलेश यादव जी कहते हैं पहले कम रहा होगा मैं नहीं जाता रहा लेकिन जब से मैं करीब जाना शुरू किया मैंने यही पीड़ा महसूस की कि हजारों साल के शोषण की लड़ाई है लक्ष्मण वो बार बार ये बोलते हैं हमारी जो निजी बातचीत हुई उस बातचीत में कई बार उन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर मिलकर मिल बात करना चाह रहे थे काम करना चाह रहे थे ये डॉक्यूमेंटेड है इसे तो कोई मिटा नहीं पाएगा हम लोगों ने पहले कोशिश की तो आइए अब हम समाज के लेवल पर कोशिश क्यों ना करें ये पूरा हमारा समाज एक जैसा है और मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दू जवाब लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी जरूरी है जब रामचित मानस प्रकरण आया किसी को उम्मीद नहीं थी कि शूद्र वाले प्रकरण पर अखिलेश यादव क्या करेंगे कहा खड़े होंगे सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव जी ने पूछा कि नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि शूद्र कौन है ये अखिलेश यादव काम कर रहे थे और आज से कब छह महीने आठ महीने पहले चुनाव नहीं था तब और फिर जब उनके ऊपर कटाक्ष किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि नेता सदन उन पंक्तियों को पढ़कर सुना दें और जिन जिनके बारे में ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो इन जातियों का अपमान करने के लिए कर रही हैं वो पढ़ के सुना दें ये अखिलेश यादव थे उन्होंने कहा सोने के पत्ते पर भी लिख कर अगर दे दोगे तो मैं नहीं मानने वाला कि यह शूद्र अपमान करने के लिए नहीं है आपने मेरा घर गंगा जल से धुलवाया आपने मन... अब इसी चुनाव में एक दिलचस्प वाक्य मंदिर गया तो मंदिर तो धुलवा दिया ये जो विमर्श था अखिलेश यादव उस विमर्श में शूद्र वाले ने टू पर खड़े दिखे और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर यही शूद्र आपकी ढाल न बने तो आप सरकार में नहीं आ पाओगे तो ये वैचारिक रूप से अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पीडीए पर ईमानदारी से खड़ी है और ये मानती है कि चाहे वो दलित समाज के जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हों संविधान बचाने वाले लोग हों उन्होंने बड़ी तादाद में एक यकीन पीडीए पर दिखाया है ओबीसी समाज अति पिछड़े समाज की जातियां इन सब ने पीडीए पर एक यकीन दिखाया है मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं मुझे यकीन है कि अखिलेश यादव जैसे नेता इस वैचारिक और सांस्कृतिक लड़ाई को सामाजिक लड़ाई को राजनीतिक रूप से अब और आगे बढ़ा करके इस पूरे समाज को जोड़ने का काम करेंगे आपने गंगा जल का जिक्र किया तो जब उनके घर को गंगा जल से धोया गया जब वो मुख्यमंत्री से रहे नहीं और योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे तो लग रहा था कि मैं अपर कास्ट हूँ और अब मुझे एहसास हुआ इन्होंने धोने के बाद मुझे बता दिया कि मैं शूद्र हूँ तो ये बयान बताता है कि वो पहले किस मानसिकता से काम कर रहे थे और उसके बाद जब ये एहसास हुआ और तमाम चीजें सीखी तो वो फिर सामाजिक न्याय पर आते हैं तो ये लर्निंग और अनलर्निंग का जो उनका चरण चला है इसमें बदलाव हुआ है ना उनकी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव आए हैं मैंने जितना समझा इस पूरे प्रकरण को समझ जी वो कुछ यूं था कि और वो अक्सर ये बात कहते भी हैं कि 2012 में जब मुझे मौका मिला तो मैं मुख्यमंत्री था एक बड़े प्रदेश का बाहर से पढ़ के आया था मैंने देखा था कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नए तरह के विकास के मानदंड खड़े करके सबकी बेहतरी के लिए क्या क्या विकास के काम कराए जा सकते हैं और 12 से 17 में तो बार बार कहता हूं हम लोग का वैचारिक लड़ाई ये रही है कि आप लखनऊ से लेकर के नोएडा तक आ जाइए गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक आ जाइए आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो काम मिलेगा जिसे आप कहते हैं विकास जो काम है जनता का काम है, वो या तो आदरणी मायावती जी ने किया या नेताजी और अखिलेश जी ने किया और किसी सरकार ने कुछ नहीं किया बीजेपी सात साल से है वो गिनवाद कायदे से कि दो चार ईंट अगर अच्छी से रखे तो ये जो उनके कार्यकाल में है तो वो नहीं, नहीं किया इन दोनों लोगों ने काम किया सत्रह तक आते आते उन्होंने ये देखा कि हमने मेट्रो चलवाई पांच शहरों के लिए पास किया था हमने लैपटॉप अट्ठारह लाख लैपटॉप बांटे और वो एजुकेशन रिवोल्यूशन जैसा था हमने मोबाइल बांटी हमने जो है हंड्रेड uh, डायल चलाया कि क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम हो गांव में कोई गरीब कमजोर अगर पीड़ित हो तो तुरंत पुलिस उसे मदद करे हमने जो है डेयरी उद्योग चलाए हमने कृषि के लिए सिंचाई माफ़ कर दी हमने पढ़ाई के लिए प्राथमिक शिक्षा तक शुल्क माफ़ कर दिया हमने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए कि उन्हें समाजवादी पेंशन से लेकर के भत्ता मिल रहा है हमने एम्बुलेंस गांव-गांव चलवा दी विकास के नाम पर वोट मिलेगा काम के नाम पर वोट मिलेगा कुछ काम आप भूल गए वो वो आएंगे उस पर मैं, भी वो, वो मैं इस, इसका जवाब दे गिनवाना जरूरी है। हाँ महापुरुषों मा के मां महिलाओं के नाम पर जो जिले थे उनके नाम बदल दिए जो एस सी को ठेकेदारी में कोटा मिलता था उनको आरक्षण मिलता था वो बंद कर दिया जो प्रमोशन में आरक्षण मिला हुआ था वो बिल हट फाड़ दिया जो प्रमोशन जिनका हो चुका था शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लोगों का उनका डीमोशन कर दिया ये काम भी गिनने नहीं मैं मैं फिर से कह रहा हूँ कि राजनीतिक दल जब काम कर रहा होता है तो इतिहास में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं मैं इस पर केवल ये कहना चाहूँगा कि आज उसी समाजवादी पार्टी के कोई भी पोस्टर उठाकर देख लीजिएगा मैं चाहूंगा कि इसमें आप वो क्लिप चलाइएगा कि उन्होंने अपने पोस्टर में अब उन्हीं महापुरुषों को जगह दी है जिनके लिए पिछली बार जो आपने सवाल में कहा कि बदले गए होंगे नाम और हैं ये वो समाजवादी पार्टी का एक भी पोस्टर अगर आप उठाएं तो उसमें ज्योतिबा फूले उसमें शाहू जी महाराज उसमें झलकारी बाई उसमें उदा देवी पासी उसमें तमाम बहुजन महापुरुष आज उसी समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर बिल्कुल मौजूद मतलब आ गया मैं मैं कह रहा हूं कि आज अखिलेश यादव जी को है तो सामाजिक न्याय पर बहुजन महापुरुषों के नाम निश्चित रूप से आना पड़ेगा निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि उनके पोस्टर पर आज वो महापुरुष है आज वो महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर उनके आज सबसे बड़े आइकॉन है डॉक्टर लोहिया के साथ तो आज समाजवादी पार्टी जहां खड़ी है मैं उसमें एक उम्मीद देखता हूं कि आज अगर अखिलेश यादव को मौका मिलेगा तो इस पूरे पीडीए को और इस पूरी बहुजन वैचारिकी को सबसे मजबूती से अगर लागू करने का काम करेंगे तो वो आज करेंगे नहीं। नहीं। तो वो जो काम उन्होंने किया था उस काम पर वो वोट मांगने गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला और गंगा जल से धुलवाने में तब उन्होंने कहा कि काम तो हमने जाति देख कर नहीं किया हमने एक्सप्रेस वे मेट्रो लैपटॉप सब कुछ किया उसमें जाति नहीं देखी थी बीजेपी के लोगों ने उन्हें एहसास कराया कि तुम हमारी नजर में शूद्र हो अखिलेश यादव जी का यह कहना है हम तो अपनी तरफ से जाति नहीं देखे हमने पांच साल के काल में एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें जाति देखी हो और आप हमारा घर गंगा से धुलवा रहे हो उस घर में जिसमें आदाणी मायावती जी रही हो आदिड़ी मुलायम सिंह यादव जी रहे हों और अखिलेश जी खुद रहे यानी ये मानसिकता है जाति के नाम पर और ये पीड़ा आज भी उनके मन में है और कभी उन्होंने कई बार टीवी इंटरव्यू में बात बोली है कि आपने क्या सोचकर जाति के नाम पर हमारा वोट घर धुलाया था क्या सोचकर आप ये सवाल पूछते रहे कि 86 में 56 है हम और आप जब बात कर रहे हैं तो उसी अखिलेश यादव को बदनाम किया गया था कि छियासी में छप्पन आदित्यनाथ सदन में कहते छियालीस छप्पन एसडीएम कोर्ट में अब एक फैसला आया है कि यह खबर झूठी थी फेक न्यूज फेक न्यूज थी।, थी और अखिलेश यादव जी की इमेज को खराब करने के लिए लाई गई थी कि वो यादव यादव सब कुछ कर ले बीजेपी ये काम करती मैं मानता हूं समित जी की आज मैं जहां खड़ा हूं जिस पार्टी के साथ खड़ा हूं आज अगर उन्हें मौका मिलेगा और मिलेगा जल्दी वो इन्हीं महापुरुषों के विचारों पर काम करते हुए दिख रहे हैं वो उसी संविधान को हाथ में लेकर खड़े हैं वो पीडीए में खड़े हैं कि ये वैचारिक लड़ाई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस सामाजिक न्याय की बात हम कर रहे हैं सरकार में आने के बाद अखिलेश यादव यही काम करेंगे और ये उम्मीद इन्होंने अपने काम से दिखाई है नहीं। नहीं। और वो उम्मीद लोग भी चाह रहे हैं कि वो उम्मीद पर कायम रहे क्योंकि वोट दिया है और उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं बहन जी की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने न्यूज़ क्लिप्स को पोस्टर्स को शेयर किया और कहा कि 16 सीटों पे बहन जी ने सीधे सीधे बीजेपी को जितवा दिया और एनडीए की जो बढ़त हुई है उसकी वजह बहन जी हैं वरना इंडिया गठबंधन ये सीटें जीत जाता ये आरोप बहन जी पर लगा रहे हैं मैं मैं मतलब ये कहता हूँ कि राजनीति विज्ञान का सामान्य विद्यार्थी भी ये बात समझेगा कि यही लोकतंत्र है यही संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी बनाकर या पार्टी कोई भी पार्टी किसी भी जगह चुनाव लड़ सकती है ये उसका हक है और हर व्यक्ति अपने ढंग से उसका काम करेंगी तो मैं इस बात को इस तरह देखता हूँ कि सबसे बड़ी जनता होती है जनता यह जब देखती है कि जब आदरणी मायावती जी मजबूत थी उनको ताकत जनता ने दी और उस ताकत से उन्होंने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया मुलायम सिंह यादव जी को उसी जनता ने फिर ताकत दी और यूपी तो बड़ा दिलचस्प रहा एक बार सपा फिर एक बार बसपा एक बार सपा एक बार बसपा बीजेपी कहीं नहीं थी कितना अच्छा था चलो भले आपस में लड़ते थे चलो भले कोई चीज होती थी ऐसी लेकिन समाज का भला होता था दोनों की सरकारों में कभी गलतियां हुई होंगी कभी कुछ हुआ होगा लेकिन आपस में एक दोनों के साथ रहते थे जनता नेता बनाती है मुझे मुझे लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका जनता की नजर आती है पार्टी और मैं तो कहता हूँ मानवर कांशी राम जिनको हम लोग वैचारिक आइडियोलॉग मानते हैं हर समय हम वो लोग हैं जिस जो जो जानते हैं हम हम शरद यादव को जब याद करते हैं तो कहते हैं कि जितना क्रेडिट शरद यादव का बनता है कि मंडल आंदोलन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है उतना क्रेडिट उन्हें देना चाहिए रामविलास पासवान लास्ट समय तक एनडीए में शामिल रहे लेकिन जो संघर्ष उन्होंने किया उसका अपमान हम नहीं कर सकते मानवर कांशी राम जो पूरे उत्तर भारत के सामाजिक आंदोलन के प्रणेता हैं, उनका वो क्रेडिट कोई नहीं छीन पाएगा और मनोहर कांशी राम कहते थे कि बसपा पॉलिटिकल पार्टी ने एक मिशन है और जिस समय सुमित जी मैं केवल एक वाक्य कहूंगा क्योंकि और बाकी टिप्पणी में नहीं करना चाहता जिस समय संविधान वाकई खतरे में हो और ये बात कोई भी समझ सकता है उस समय ये कहना कि नहीं नहीं ये झूठ है फिर फैसला जनता ने लिया जनता ने तय किया कि वो किसके साथ जाएगी और जनता ने वो परिणाम दिया मेरा केवल यह कहना है बाकी आदरणीय मायावती जी ने जितना काम किया है मैं तो बार बार एक बात कहता हूं और बहुत ईमानदारी से ये बात कहता हूं और चूंकि अखिलेश जी के साथ काम कर रहा हूं तो वो बात भी रेफरेंस में जोड़ूंगा एक एक क्लिप है मैं मैं आपको दूंगा या बाद में भी उसको ट्वीट एक दिन करूंगा जब उन्नीस में गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोलते हैं आज की तारीख से आदरणीय मायावती जी का अपमान मेरा अपमान समझा जाएगा जो कोई भी मायावती जी के खिलाफ कुछ बोले तो मेरे पार्टी के लोग ये समझें कि वो उनका अपमान नहीं मेरा अपमान है गठबंधन टूटा

और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आदरणीय मायावती जी की सरकार न होती चार बार तो ये उत्तर प्रदेश किसी और रूप में होता बिल्कुल एक बहुत बड़ी आबादी को जो आत्मविश्वास मिला सम्मान मिला वो एक बहुत बड़ा कदम और इसी चुनाव में अखिलेश जी से पूछा गया दो के चुनाव में कि मायावती जी पर क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा वो हमारी बड़ी हैं हम उनका सम्मान करते हैं और हमारी पार्टी के लोगों से भी कहते हैं कि उनका सम्मान करें उन पर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होगी ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मेच्योरिटी और अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं आदरणी मायावती जी के खिलाफ कभी हम लोग नहीं बोल सकते नहीं। जहां तक रही बात बसपा की तो निर्णय जनता करती है मेरा केवल यह कहना है कि जनता फैसला लेती है और जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए आज वो जनता सपा के साथ खड़ी दिख रही है 2027 का चुनाव आएगा तो फिर से एक इम्तिहान की घड़ी होगी अगर समाजवादी पार्टी इसी पीडीए को कायदे से निभा ले जाएगी बाबा साहब के संविधान के रिश्ते को लोहिया के समाजवाद के साथ और अच्छा जोड़ पाएगी तो जनता फिर इनके साथ खड़ी होगी जनता दूसरे को अगर देख रही है कि वो लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे तो ये कम से कम जनता के फैसले पर ही मैं खड़ा हूं और कोई पड़ी उस पर नहीं जी। यूपी का आदित्यनाथ काफी पावरफुल मंदिर, तो का मंदिर फैक्टर काम करेगा और मोदी फैक्टर काम करेगा और ये तीन फैक्टर मिलके पूरे यूपी की अस्सी की अस्सी सीटें एनडीए को दे देगी लेकिन हुआ उसका उल्टा बीजेपी तो तैतीस सीटों पर सिमट गई है सबसे बुरा परफॉर्मेंस इस दौर में उनका हुआ योगी की भूमिका को पूरे चुनाव में कैसे देख रहे हैं ये सिर्फ योगी की कद छोटा हो गया है या मोदी का भी कद छोटा हो गया है क्योंकि दोनों के ऊपर काफ़ी असर हुआ है चुनाव का। मैं सुमित जी इस पूरे चुनाव को बहुत जब करीब से देखा तो मैंने एक चीज महसूस किया कि ये चुनाव जनता लड़ रहे थे आगे जनता खड़ी थी बेशक इस चुनाव में आप भी बहुत करीब से रहे आपने एक एक चीज पर नजर रखी है और कायदे से रिपोर्टिंग की है आपने भी महसूस किया होगा कि ये चुनाव बहुत वोकल नहीं था शांत था बहुत समझ में नहीं आ रहा था शुरू से कि किस दिशा में जाएगा और लेकिन हमने करीब से उसे देखा था कि जनता मन बना चुकी थी जनता बीजेपी के लूट और झूठ से त्रस्त थी गांव तक लोग कहते थे यार बहुत हो गया झूठ बोलते हैं ये साल देख लिया देख लिया पांच साल मौका दिया चौदह में कि साठ महीने हमें दे दो उन्नीस में फिर कहा कि अच्छा साठ महीने और मांग रहे हैं एक बार और मौका देते हैं बीच में और भी पुलवामा जैसी घटनाएं हुई एक वोट देश के नाम कैंपेन हुआ चौबीस का चुनाव ऐसा नहीं था और मैं अभी भी कह रहा हूँ की मीडिया बिकी ना होती हम तो इस बात को कहते हैं कि मीडिया ने चुनाव को बीजेपी के पक्ष में किया वरना जनता मन बना के बैठी थी कि इन लोगों को सत्ता से हटाना है ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि जो लोग उनका साथ दे दिया और फिर से वो शपथ लेके आ गए जनता उनके साथ नहीं है और जनता उनके साथ नहीं है तो वो न तो मोदी के साथ है न योगी के साथ है और उत्तर भारत जो मानवर कांशीराम की जमीन रहा हो जो मंडल आंदोलन की जमीन रहा हो जो आदरणी मुलायम सिंह यादव की जमीन रहा हो जगदेव बाबू से लेकर तमाम वैचारिक लोग रहे हो उस उस जमीन पर मैं एक बात देखता हूं कि वो कम से कम संविधान की जब बात आएगी तो वो ये नहीं फर्क करेंगे कि कौन कहाँ खड़ा है मैं तो ये देख रहा हूं कि जनता ने नकारा है मोदी को भी और योगी को भी और आज की तारीख में अगर आज चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में तो मुझे तो लगता है कि योगी जी जो अगले मोदी के बाद कौन वाले के के तौर पे रहे थे कि मोदी बाद कौन योगी मुझे लग रहा है है कि उनका जमीन खिसक चुकी है। तो इसका बड़ा परिणाम बड़ा असर दिख रहा है मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सियासी तौर पर सांप्रदायिकता के रथ को रोकने का काम किया उत्तर प्रदेश ने देश को अयोध्या भी जीत लिया अयोध्या अमीठी जीता प्रयागराज जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किया था इलाहाबाद हार गई बीजेपी अयोध्या हार गई बीजेपी बनारस में मोदी जी पीछे चल रहे थे बनारस मंडल की सारी सीटें मिर्जापुर छोड़कर के बीजेपी हार गई पूर्वांचल की सारी सीटें लगभग बीजेपी हार गई गोरखपुर योगी जी अपना मठ थोड़ थोड़ा बचा पाए होंगे वो हो गया होगा अवध बेल्ट की कई सीटें बीजेपी हार गई अयोध्या खुद बीजेपी हार गई ये इतना बड़ा प्रयोग और इसीलिए मैं आज जो कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की जीत है यह संविधान की जीत है और चूंकि इस संविधान और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हुए एक शख्स उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत नजर आया वो अखिलेश यादव थे इसलिए उनके साथ जनता खड़ी हो गई वो जनता नहीं पसंद कर रही थी दस सीटें ऐसी हैं जो दस हजार से कम मार्जिन से बीजेपी जीती है तीन चार सीटें तीन सीटें ऐसी हैं जो सपा भी कम मार्जिन से जीतती है लेकिन उन्होंने ज्यादा जीती है और अगर सब कुछ थोड़ा ठीक रहो की एक सीट है हमारे मित्र ने डॉक्टर नवल किशोर जबरदस्ती तीन बार बिजली काटी गई लाठी चार्ज हुआ उनको हरा दिया गया फूलपुर से अमरनाथ मौर्या चुनाव लड़ रहे थे उनको हरा दिया गया ये तो बड़ा दिलचस्प है सुमित जी यूपी कैसे आया बिंद राजभर पाल चौहान और निषाद कश्यप पासी उसके बाद जाटव समुदाय के लोग कुर्मी दस ग्यारह सीटें कुर्मी कोयरी जिसे मौर्य शाक सैनी कुशवाहा कोई बिरादरी ऐसी नहीं बची जिसे अखिलेश यादव के पीडीए ने टिकट नहीं दिया यही तो मान्यवर कांशी राम की लड़ाई थी कांशीराम मॉडल यही यही था ना उनका exactly देना। और हर तबके ने ये महसूस किया कि हाँ ये बीजेपी कर रही थी पहले बीजेपी ने कैसे बीजेपी ने ये किया किया यही था। पहले बीजेपी ने छियालीस में छपन एसडीएम का झूठ फैलाकर किया कि सपा यादवों की पार्टी बसपा जाटवों की पार्टी तो बाकी जो दलित पिछड़ो हो वो बीजेपी के साथ आ साथव नॉन जाटव सबको ये थ्योरी बनाई झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता एक बहुत प्रसिद्ध कथन है थोड़े से लोगों को थोड़े से वक्त के लिए दोका या भर में रखा जा सकता है, ज्यादा लोगों को भी थोड़े से वक्त के लिए भटकाया जा सकता है, सारे लोगों को हमेशा के लिए नहीं साहब, बहुजन समाज एक जिंदा समाज है यह अपने आईकॉन को केवल पूजता नहीं पढ़ता है और उन्हें जीता है ये बुद्ध से लेके कबीर रेदास से लेकर के यहां और वो भी उत्तर प्रदेश जो इन लोगों की कर्मभूमि रही है तो वो जिंदा समाज एक दो बार गलती हो गई इस बार उन्होंने बाकायदे हर तबके ने संविधान बचाने के लिए पीडीए को वोट दिया और इसने बीजेपी को उत्तर प्रदेश रोक कल्पना करिए बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में पंद्रह बीस सीटें और हो आई होती तो फिर ये ये गवर्नमेंट कहां होती देश को अंधकार में जाने से रोक लिया है पीडीए ने और अयोध्या की जीत उस पर एक मुहर लगाती है न काशी न मथुरा अयोध्या में चले न न मथुरा न काशी अयोध्या में है अवधेश पासी मैंने ये सुना ना रहा। कौन दिया मुझे नहीं पता नहीं। नहीं। लेकिन एक सामान्य सीट पर एक दलित वो भी पासी समुदाय के अवधेश प्रसाद और अयोध्या बीजेपी हार गई ये जनता है और मैं बार बार कह रहा हूं जनता और नेता का रिश्ता यह बना जनता तैयार थी नेता ने उसे दिशा दे दी नतीजा ये हुआ कि सैतीस सीटें तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा बन गई और ये विचारधारा की जीत है सुमित जी मैं एकदम क्लियर कहना चाह रहा हूं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के सामने सामाजिक न्याय के विचारधारा की जीत है इसी को मैं पीडीए के रूप में देखता हूं और ये वैचारिक लड़ाई आगे और मजबूत होगी मजबूत होगी हो ये काफी दिलचस्प चर्चा चल रही है और मुझे काफी मजा भी आ रहा है बात करके आ, कुछ आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं आखिरी सेकेंड सवाल है मेरा कि एक एक बुद्धिजीवी के तौर पे भी हम आपको जानते हैं और तमाम हमने देखा आपको किस तरह से सामाजिक न्याय के मसलों पर आप मुखर रहे हैं ये सिर्फ पीडीए या समाजवादी पार्टी की जीत ना हो के एक सामाजिक न्याय की जीत के तौर पर भी इसको हम देख सकते हैं एक एजेंडा सेट हुआ है कि आने वाले दिनों में जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा तो उसके बदले में सामाजिक ध्रुवीकरण होगा और सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का एजेंडा ही चुनाव पर हावी रहेगा ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है आने वाले सालों में दस साल बीस साल की राजनीति पर सोशल जस्टिस के इफेक्ट को कैसे देखते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए नेता कई बार होते हैं ना राजनीतिक दल वो समाज के बीच से पैदा होते हैं और समाज को करीब से देखते हैं जब समाज धीरे धीरे बदलाव को तैयार होता है या अंदर सुखबुगाहट उसकी चल रही होती है तो नेता उस वही नेता है असली कामयाब नेता वही है जो समाज के नब्ज को पहचाने बदलाव को पहचाने और उसे उचित दिशा दे दे अखिलेश यादव ने इस चुनाव में यही काम किया सामाजिक न्याय का विचार सैकड़ों हजारों साल का विचार है तथागत बुद्ध से हम लोग क्यों बार बार जिक्र करते हैं तो थागत बुद्ध से न्याय का विचार चल रहा है समता का विचार चल रहा है कबीर पलटू दादू रिका बुल्ले शाह नानक बाबा फरीद बहुत लंबी विरासत है इसकी अंबेडकर पेरियार लोहिया जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा ललई सिंह पूरा वहां से होते हुए मंडल आंदोलन त्रिवेणी संगर जगक संघ और फिर मानव कांशी राम मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव ये पूरी विरासत है हजारों साल के संघर्ष के विरासत है समाज उससे तैयार होता है और इसीलिए मैंने अभी कहा कि ये एक विचारधारा की जीत है क्योंकि समाज में विचार जिंदा है उसे जिंदा रखने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है बहुत सारे लोग जेल में गए हम तो आपके सामने बैठे हैं हमें नौकरी से निकाले जाने के पीछे अगर कोई एक वजह कोई पूछ दे तो ये विचारधारा है हम उनकी आर की विचारधारा के होते तो आज हम हो सकता है एसोसिएट प्रोफेसर होके कुछ और कमेटी में होते हमने कहा कि विश्वविद्यालय एक विचार की जागीर नहीं होते विश्वविद्यालय में हर विचार के लोग हो सकते हैं हमारा विचार संविधान का विचार है सामाजिक न्याय का विचार है तो ऐसी लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे लोग जेलों में गए बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमे हुए एट्रोसिटीज एट्रोसिटी हकमारी हुई परेशान किया गया उन सब की मेहनत का फल है और ये क्रेडिट केवल नेता की के नहीं होती कई बार उन लोगों के संघर्षों की होती है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी लड़ाई ही आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है और सामाजिक न्याय का विचार ही और बीजेपी को रोक सकता है hmm. ये हमारे अचानक hmm. अच्छा <laughs> <था ये. laughs> बात जुड़ गई तो मैं बस जोड़ दे रहा हूँ ये साम, सामाजिक न्याय की लड़ाई में हिंदू मुसलमान कभी नहीं था मैं केवल एक पक्ष कहना चाह रहा हूँ बाकी टिप्पणी नहीं करूंगा दुनिया निर्णय ले रही है सबके स्टैंड खुल के गए आप पूरे समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट देंगे आपको नहीं देखा एक आदमी जो देश का प्रधानमंत्री है वो मछली मटन कह रहा है मंगल सूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देंगे तक पे आ गया। आप, आपका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे मुजरा कर रहे हैं मुसलमानों के सामने इस भाषा की एक सांप्रदायिक राजनीति आपके सामने हो रही थी और आप फिर भी उसका साथ दे रहे हैं कि अलीगढ़ में आरक्षण क्यों नहीं आरक्षण मुसलमान नहीं हो रहा है अरे भाई कौन दे रहा था मंडल कमीशन अगर कहता है कि ओबीसी की सैंतीस जातियों में मुस्लिम बिरादरियां हैं तो गुजरात में भी 17 बिरादरी मुस्लिम है जिसको नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आरक्षण ओबीसी में दिया हम संविधान को मानने वाले लोग हैं हम मंडल आंदोलन को मानने वाले लोग हैं अनावश्यक पूरे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आरक्षण की लड़ाई को आपने हिंदू मुसलमान बना दिया बीजेपी के पीछे खेलते हुए लेकिन मैं सवाल जोड़ ही देता हूँ क्योंकि आप उस पर जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर दिलीप मंडल एडवोकेट नितिन मिश्रा जैसे जो बहुजन विचारक माने जाते थे हालांकि प्रोफेसर दिलीप मंडल की जाति को लेकर भी सवाल उठे कोई जायसवाल उनको बता रहे कोई बनिया बता रहा है कई तरह की बातें हो रही हैं लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि कई बुद्धिजीवी जो मंडलवादी अम्बेडकरवादी सोच के बुद्धिजीवी थे उन्होंने अपना पाला बदला शिफ्ट किया और बीजेपी के माउथ पीस वो बन गए उनके लिए वो प्रचार करने लगे जैसे आप जिक्र कर रहे थे इस शिफ्ट ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है मैं मानता हूं कि वोटों का नुकसान हुआ है क्योंकि बीजेपी को इसका एक फ़ायदा मिला उनको एक एंटीडोट मिल गया सोशल जस्टिस के आइडिया का कि आप जो सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो वो बोलेंगे अच्छा अलीगढ़ में क्यों नहीं आप जस्टिस दे रहे हैं आप जामिया में क्यों नहीं एस एस को आरक्षण दे रहे हैं तो ये जो शिफ्ट हुआ इसका चुनाव पर कैसे परिणाम देख रहे हैं और ऐसे लोगों को कैसे देख रहे हैं जो संविधानजनक रूप से मौके पर पाला बदल लेते हैं एक शेर है मिर्जा गालिब का कि घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता वो जो रखते थे हम एक हसरत तामीर सो है सृजन की इच्छा संघर्ष की इच्छा अफसोस है इस बात का कि लोग विचारधारा से समझौता कर लें और समाज बहुत वक्त तक किसी को ऑब्जर्व करता है तो वो उस पर यकीन बनाता है मैं सपा के साथ खड़ा हूं तो आपने मुझसे सवाल पूछा कि भाई आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन से लेकर के जिलों के नाम बदलने पर मैंने उसका जवाब दिया कि उस समय की चीजें कुछ और रही होंगी आज उसी सपा के पोस्टर पर हर जगह वही महापुरुष हैं जिनके बारे में सवाल ये बात क्यों नहीं वो बताए लोगों को कि वही ज्योतिबा फुले समाजवादी पार्टी के हर पन्ने पर है वही वही साहू जी हर पन्ने पर हैं और इसी की हम मांग भी कर रहे थे आगे बढ़ेंगे ना पे आओ हम पे भाई हम क्या चाह रहे थे हम आज भी ये चाहते हैं कि जितने भी संविधानवादी लोग हैं वो हमारे एजेंडे पर बात करें अगर अखिलेश यादव जी ने एजेंडे पर बात किया तो ये जीत एजेंडे की है ना ये पीडीए के एजेंडे की है आप उस एजेंडे को डीरेल कर रहे हैं आपको अलीगढ़ में और जामिया में रिजर्वेशन चाहिए साहब आप वही है ना जिनको लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन चाहिए था जिनको निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन चाहिए था समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में करिए कि निजी क्षेत्र में सबको भागीदारी देंगे आपको ये क्यों नहीं देखा वो जाति जनगणना आप मांग करके किताब आपने लिखी है आप हम जैसे लोगों के सामने एक आइकॉन थे कि यार एक आदमी है जो कितना तर्क और तथ्य के साथ लड़ता है वो कह रहा है कि अगर जाति जनगणना नहीं हुई तो ये आइडिया ऑफ इंडिया कभी कंप्लीट होगा ही नहीं और जो जाति जनगणना नहीं होने दिया उसकी पैरोकारी करने लगे आप ये क्या है ये आप पार्टी बन गए आपके रील्स उनके दिखाए जा रहे हैं तो हम तो हम लोग विचारधारा मैं सपा के के साथ खड़ा हुआ, खड़ा हुआ हुआ डंके चोट पर और मुझे एक लफ्ज भी अपने बदलने नहीं पड़े नहीं। मैं आज भी बाबा साहब को उतनी शिद्दत से याद कर रहा हूं मैं हे, हेडगेवार गोलवलकर पर नहीं गया नहीं। सावरकर वाली पार्टी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में नहीं खड़ा हो सकता ये मेरी विचारधारा ने मुझे सिखाया है बाबा साहब अम्बेडकर अगर कह के गए हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बना तो ये देश के लिए सबसे बड़ा विशाप होगा तो उसे किसी भी कीमत पर तो किसी भी कीमत पर उसे रोका जाना चाहिए आप उनके साथ खड़े हो गए अरे आपका अगर अप्रत्यक्ष फायदा भी उन्हें हो रहा था तो आपको सजग हो जाना चाहिए घर की लड़ाई का फायदा कोई दूसरा ले जाए आप तो सीधे सीधे फायदा देने लगे मोदी के भाषण लिख रहे थे सब कुछ कर रहे थे वो अगले दिन मोदी भाषण भाषण में दे रहे आप किसको आप आपको मुजरा वाला सुन के कैसा लगा होगा आप रोज हिंदू मुसलमान वो आदमी कर रहा था क्या इस देश के सामाजिक न्याय के विचार में आप बसपा को समर्थन कर रहे थे और सपा के विरोध में लिख रहे थे बसपा का समर्थन करें आप हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं आपको कभी नजर क्यों नहीं आया कि ये नई सपा है है जिसमें पीडीए की बात हो रही है? उसका टिकट वितरण आपको नजर आया जो टिकट वितरण हम चाहते थे वो हो रहा था आपको वो नजर नहीं आया मैनिफेस्टो नजर नहीं आया उस मैनिफेस्टो में एक एक वो मुद्दे हैं जो हमारी विचारधारा के मुद्दे हैं दिखा दो बीजेपी का मैनिफेस्टो जिसके साथ आप खड़े थे कोई एक बात वहां पर है वहां निजी क्षेत्र में आरक्षण की, की बात है क्या वहां जो है जाति जनगणना की बात है क्या वहां एस सी ओबीसी टी खाली पदों को भर भरने की बात है क्या वहां सोशल जस्टिस की बात है क्या हमारे हमारे मैनिफेस्टो पर बाबा साहब अम्बेडकर हैं चौधरी चरण सिंह हैं मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी हैं लोहिया जी हैं तमाम विचारक हैं और बीजेपी के मैनिफेस्टो का विचारक कौन है हेडगंवर सावरकर और गोडसे गोलवलकर इसलिए मैं बाकी चीजें समझ सकता हूं निजी हित सज जाए विचारधारा का हित तो कतई नहीं सजेगा यह लकीर खींच के चुनाव था संविधान बदलने वाले एक तरफ थे जाति जनगणना के विरोधी एक तरफ थे और बाकी लोग एक तरफ थे इसलिए इसका कितना चुनाव में असर हुआ वो तो कहते हैं कि एक व्यक्ति उनके नाम पर वोट नहीं देता बीजेपी को आपने उस बंजर जमीन में सिंचाई कर दी जिस पर बीजेपी सबसे ज्यादा घिर जाती थी जाति का सवाल नुँ, नुँ, नु. वही मैं बोल रहा हूँ एंटीडोट दे दिया आपने आपने एंटीडोट दे दिया बीजेपी के पास तर्क आ गए फिर भी हम कह रहे हैं कि आपके तर्क झूठे हैं हम उसका काउंटर तर्क दे रहे हैं कभी मौका मिलेगा तो उनके एक एक आरोपों पर या एक एक चीज जो बीजेपी के फेवर में वो की है हम उस पर एक पड़ताल करेंगे तथ्य के साथ करेंगे तर्क के साथ करेंगे अभी के लिए केवल उनको एक होमवर्क दे रहे हैं लिटरल एंट्री में रिजर्वेशन की बात आपने क्यों नहीं उठाई <laughs> कास्ट सेंसस की बात आपने क्यों नहीं उठाई आपने लिखा था ट्वीट में सेंट स्टीफन खालसा में रिजर्वेशन की बात आपने क्यों उठाई क्योंकि आपको असल में बीजेपी के हिंदू मुस्लिम एजेंडे पे चलना था बाइनरी में उलझा के रखना देखना केवल हिंदू मुसलमान का रहे उलझे रहे उसी

कौन नहीं जानता कि मुसलमानों में जाति नहीं होती कौन नहीं जानता कि उनका आंदोलन नहीं चला पसमांदा महाज नहीं चला पसमांत मसावाद की मसावाद की जंग एक किताब है अली अनवर अंसारी की हुँ। हुँ। सामाजिक न्याय का विमर्श आप बसपा का समर्थन करते हो मनोहर कांशीराम तो बाम सेप में भी माइनॉरिटी को शामिल किया है क्या यह वैचारिक दोहरापन हमने देखा ना कि मुसलमानों के साथ जो है वो बुलडोजर से कैसे एट्रोसिटी सबसे सबसे तो कुछ, कुछ चीजें तो ऐसी कि एक पूरी को प्रधानमंत्री कह रहा था नहीं। कि नहीं। 85 परसेंट लोगों तुम्हारा सब छीन के मुसलमानों को दे देंगे कौन मुसलमान ले लेता या क्यों दे देंगे दिया आप विलन बना रहे हो अपनी सबसे बड़ी माइनॉरिटी आबादी को क्या इससे आइडिया ऑफ इंडिया सुरक्षित रहेगा क्या आप इस इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए साथ नहीं दे दिया उन लोगों का सामाजिक न्याय का विचार ये कतई नहीं कहता नहीं। नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर कतई इस बात के लिए राजी नहीं है अपने विचार में अपने ख्याल में मानवर कांशी राम इसके लिए राजी नहीं है लोहिया इसके लिए राजी नहीं है नहीं। तो आप किसके साथ खड़े हो गए इसलिए मैं मैं पूरी बात का निचोड़ केवल ये कहता हूं कि विचारधारा का संघर्ष है और हम विचारधारा के नाम पर खड़े होकर के आइडिया ऑफ इंडिया के लिए संविधान और सामाजिक न्याय की बात करते थे करते हैं और करते रहेंगे